ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस चौकी ग्लोड़ के तहत एक युवक को 86 ग्राम चरस सहित पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मादक अधिनियम तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने नशे के खिलाफ धरपकड़ जारी है। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं उन पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पुलिस चौकी ग्लोड़ के तहत एक युवक को 86 ग्राम चरस सहित पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मादक अधिनियम तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्लोड़ पुलिस ने भराड़ी माता मंदिर के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान अजय कुमार पुत्र शिव कुमार वहां से गुजर रहे थे, पुलिस को देखकर तुरंत भागने लगे, लेकिन पुलिस ने अजय कुमार को दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो युवक से 86 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी अरिजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने नशे के खिलाफ धरपकड़ जारी है। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं उन पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। क्या था सारा मामला, क्या है इसमें, कितना पकड़ा गया? जी, 5 तारीख को दिन में 12:15 के आसपास हमारी पुलिस टीम ने अजय कुमार नामक एक व्यक्ति को, जो गलोड़ के रहने वाले हैं, उनको पकड़ा है। उनके पास से हमें लगभग 86 ग्राम के आसपास चरस बरामद हुई है। उस पर हमने एफआईआर रजिस्टर की है और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ और लोग जो अगर संलिप्त होंगे तो उनको भी हम पकड़ने में सफल होंगे। सर, देखा गया कि हमीरपुर में कुछ काफी समय से जो चरस के मामले ज्यादा पकड़ने में आ रहे हैं जी, क्या पुलिस के पास कोई पुख्ता जो गिरोह है वो यहाँ काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जिसमें कहा जा सके कि कोई गिरोह यहाँ पे काम कर रहा है। हमने पिछले साल भी काफी भारी मात्रा में यहाँ पे चरस पकड़ी थी। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमीरपुर क्योंकि एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से एक ट्रांजिट रूट यानी आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो हमारे जो भी हमीरपुर से अगर इस तरह के हेरोइन या चरस के तस्कर मान लो किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अगर इस तरह का सामान या कॉन्ट्रोबैंड ले जा रहे हों तो हम उस पर एप्रिहेंशन करने का, उनको पकड़ने का पूरा प्रयत्न करते हैं। उसके अलावा हमीरपुर में कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो एक इस काम में लगातार केसेस जिनके खिलाफ रजिस्टर होते आ रहे हैं, वो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं और उन पे अगर हमारी, क्योंकि हमारी निगरानी और उन पे नज़र रहती है, तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि कोई इस तरह का अगर काम कर रहा है तो उसको रोका जाए। अगर केसेस एक्स्ट्रा रजिस्टर हुए हैं ऐसा नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि हमने क्वांटिटीज थोड़ी ज़्यादा पकड़ी हैं इस बार और हम इस पे कंटिन्यू करेंगे अपना अपना जो हमारा ऑपरेशन है हम वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ड्रग फ्री हिमाचल एक हमारी भी और सरकार की एक बहुत अहम प्रायोरिटी है। इसमें खासकर ये बात है कि जो लोग क्रॉनिकली इस चीज़ के एडिक्ट हैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है रिहैबिलिटेट करने का एक प्रावधान जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि हमें एक तो वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस काम में पूरी तरह संलिप्त है, और अगर कोई ऐसा बालक या कोई ऐसा लड़का जो गलती से किसी कारणवश इन नशों के चपेट में आ गया है वो इमीडिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है उनको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाएं ताकि उस बच्चे का भविष्य सेफ रहे।